हेलो, ये कैनन आयर 3300। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑटो स्लीप टाइम सेट किया जाता है। ऑटो स्लीप टाइम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है कि जैसे मान लीजिए आप मशीन को स्टैंड बाई में अगर आप छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ऑन ऑफ बटन है, उसको दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप स्टैंड बाई में अगर छोड़ देते हैं, तो आपकी मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। मतलब ऑफ मतलब मेन लाइन से ऑफ नहीं होती है, केवल यहीं से आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो केवल स्क्रीन इसकी ऑफ हुई है, केवल इसका स्क्रीन ऑफ हुआ है। अदरवाइज आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। देखिए ये ऑन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्लीपर टाइम कैसे बढ़ाते हैं। पहले आप एडिशनल फंक्शन में जाइए, उसके बाद आपका है टाइमर सेटिंग। ये आपको टाइमर सेटिंग दिख रहा है, टाइमर सेटिंग, उसमें आपको लिखा होगा चेंज ऑटो स्लीप टाइम। ये देख रहे हैं हमारा चेंज ऑटो स्लीप 2 मिनट है। तो आप इसको कर दीजिए, यहाँ पर 2 मिनट दे रहे हैं, यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर अप है, तो मुझे 1 आवर करने हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए, 1 क्लिक, फिर सेकंड क्लिक पर 15 मिनट, फिर 20, 30, 40, 50 एंड 60 मीन्स 1 आवर। सो मुझे 1 आवर चाहिए, तो आप ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए, फिर ये कर दीजिए, फिर आप ऑन कर इसको ऑफ कर दीजिए, फिर आप इसको ऑन कर दीजिए। ये आपके ऑन हो गया है। अब हमारा मशीन स्टैंड बाई में भी 1 आवर के बाद ही ऑटो स्लीप होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।